क्या आप जानते हैं कि छात्रों के एक छोटे ग्रुप के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को 500 छात्रों के 2022 की शुरुआत में लौटने की उम्मीद है। आइए आपको बताते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस पर नवीनतम समाचार क्या है। लोकल रिपोर्टों के अनुसार नए अकेडमिक ईयर की शुरुआत के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कम संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैगावन ने कथित तौर पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र 2022 के पहले सेमेस्टर तक कक्षा में वापस आ जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि 5,000 फुली वैक्सीनेटेड छात्र वापस आ सकते हैं। स्टडी पर्थ ने कहा कि मैगावन की घोषणा अगले साल पहले सेमेस्टर से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संभावित वापसी का मार्ग प्रशस्त करती है। ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए एक योजना विकसित करने और अपडेट करने के लिए रीजन के इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर के साथ काम किया है। कोविड-19 के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के संक्रमण का प्रबंधन करने के लिए नेशनल प्लान के साथ अलाइनमेंट सुनिश्चित करने के लिए योजना को रिवाइज और अपडेट किया गया है। स्टडी पर्थ टीम और मेंबर इंस्टीट्यूशंस उनकी योजनाओं के संबंध में अन्य स्टेट्स और टेरिटरीज में उनके काउंटर पार्ट्स के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं। वे जितनी जल्दी हो सके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए सुरक्षित रास्ते बहाल करने के लिए राष्ट्र की महत्वाकांक्षा को साझा करते हैं और वे ऐसा करने के लिए नेशनल एफर्ट लगा रहे हैं। पर्थ में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अराइवल की सुरक्षित बहाली के लिए प्रीकंडीशंस को संबोधित करने के लिए एक प्रोजेक्ट टीम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन मुख्य चीफ हेल्थ ऑफिसर सहित संबंधित राज्य और फेडरल सरकारी एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से कंसल्ट कर रही है। वे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए कमिटेड हैं और उनका उद्देश्य आप सभी को नए विकासों के साथ अप टू डेट रखना है। इससे पहले रिपोर्टों में कहा गया था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फरवरी के अंत तक अपनी इंटरस्टेट बॉर्डर्स को फिर से खोलने के लिए इंतजार करेगा। एक कदम में प्रीमियर का कहना है कि 200 लोगों की जान बच जाएगी। प्रीमियर ने पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सीमा प्रतिबंधों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ हॉर्न बजाए हैं। राज्य की सीमाओं को फिर से खोलने का रोडमैप अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक अराइवल्स को वापस देखेगा जब राज्य 90% वैक्सीनेशन दर पर पहुंच जाएगा। राज्य सरकार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को यह उम्मीद है कि जब 70% आबादी डबल डोज वैक्सीनेट हो जाएगी 20 नवंबर 2021 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय अराइवल्स का सुरक्षित रूप से स्वागत हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आगमन सीमा तब दोगुनी होकर 503 हर हफ्ते हो जाएगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सीधे आने वाले सभी इंटरनेशनल अराइवल्स को अपने स्वयं के खर्च पर 14 दिनों के लिए राज्य द्वारा संचालित होटल सुविधा में क्वारंटीन होना होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को क्वारंटीन के 5वें और 13वें दिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उनके आगमन के अगले दिन अनिवार्य रूप से कोविड-19 टेस्ट के अधीन किया जाएगा। एक बार यात्रियों के क्वारंटीन छोड़ने के बाद वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद 17 और 21वें दिन कोविड-19 टेस्टिंग के अधीन होंगे। हेल्थ मिनिस्टर रॉजर कुक ने कहा कि जैसे जैसे उनका वैक्सीनेशन रेट बढ़ता जा रहा है, वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सेफ ट्रांजिशन प्लान में उल्लिखित अपने बॉर्डर कंट्रोल में और समायोजन करने में सक्षम होंगे। वे सभी कोविड-19 से पहले वाले जीवन में लौटना चाहते हैं और वैक्सीनेशन ही महामारी से बाहर निकलने का हमारा तरीका है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।